दुबई से आए अंतर्राष्ट्रीय हस्तरेखा विशेषज्ञ दादा अशोक भाटिया ने रविवार को दिल्ली गेट से झूलेलाल धाम में निशुल्क हस्तरेखा ज्योतिष समस्या समाधान शिविर के दौरान जिले के हस्तरेखा विशेषज्ञ और ज्योतिष विद्यापाठियों को एस्ट्रोलॉजी का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर दादा अशोक भाटिया ने एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। ये कार्यक्रम पहला हस्तरेखा निशुल्क समस्या समाधान शिविर था, जिसमें केवल हस्तरेखा को देख के ही सभी समस्याओं का समाधान किया गया है और इसमें एस्ट्रो दादाजी के द्वारा निशुल्क सेवाएं दी गई है। इस शिविर के अंदर मात्र 6 घंटे के अंदर हाथ की महीन रेखाओं का ज्ञान सिखाया गया है और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के गुण भी इसमें सिखाए गए हैं। कमल प्रकाश जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी है और इस कार्यक्रम के 4 चांद भी लगाए हैं और उन्हीं की रूपरेखा के अनुसार और उन्हीं के परामर्श के अनुसार हमने ये कार्य आयोजित भी किया है और मैं आभारी रहूंगा उनका इस कार्यक्रम को। वहीं दादा अशोक भाटिया रविवार सुबह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह पहुंचे, जहां उन्होंने खादिम जकरिया गुर्दे जी की सदारत में आस्ताना ही औलिया में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अमन अमान और तरक्की की दुआ मांगी। उनके साथ उनके परिवारजन और इष्ट मित्र भी मौजूद रहे। जकरिया गुर्दे जी ने दादा भाटिया को ख्वाजा साहब के दरगाह का स्मृति चिन्ह इत्र और दस्तार बंदी कर सम्मान किया। इस मौके पर स्वामी समूह के CMD कौल प्रकाश कृष्णानी, इसर भम्बानी, भवानी थदानी, हरीश खेमानी सहित कई लोग मौजूद रहे। जय सूर्य बोलते हुए सलाम वालेकुम सबको, मेरा सलाम। आज मेरा सद्भाग्य है कि मैं अजमेर के शहर में तो आया और हमारे सिंधी समाज के कमल प्रकाश जी, हरेश भाई जी और सबके साथ मैं आया और मुझे यहाँ पर दरगाह में मैंने दरगाह के यहाँ गनी गुरुदेव जी ने बहुत साथ और सहकार दिया, हमें बहुत ही अच्छी तरह मान सम्मान दिया। थोड़ा अच्छा सोचे और थोड़ी अच्छी बात करें तो हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में शांति स्थापित हो सकती है। हमारे जो छोटे बड़े गलत विचार हैं हम उन्हें निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही आनंदित हुआ यहाँ की इनकी सेवा देख के, पब्लिक के साथ भी जो सहयोग इनका है बहुत बढ़िया है, बहुत हर व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं इन जी सैयद घनी साहब का फिर भी आभार मानता हूँ, शुक्रिया। आज हुजूर गरीब नवाज के दरबार में अशोक भाटिया साहब हाजिर हुए अपने परिवार के साथ में। दरबार के अंदर में इन्होंने फूल की चादर और कपड़े की चादर अकीदत के साथ में पेश करी। हमने दरबारशी में इनके लिए दुआ करी है, इनकी लंबी उम्र के लिए, इनके तमाम मुरीदों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, ये खुशाबाद रहें और इनके जितने भी मानने वाले हैं सब खुशाबाद रहें और बार बार गरीब नवाज अपने कदमों में अपने दर दौलत पे बुलाते रहें।